दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा था फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि फूड ये आता कहाँ से है। ये हम जान चुके थे कि फूड कहाँ से आता है, फूड कैसा होता है और इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार और बता दूँ, इंग्रेडिएंट्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि एक वेजिटेबल को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि हमने बॉयल्ड राइस बनाई, तो बॉयल्ड राइस को बनाने के लिए, तो दोस्तों बॉयल्ड राइस को बनाने के लिए तो कच्चे चावल चाहिए, वाटर चाहिए, तो इसके लिए हमको दो इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ी, इनको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। और हमने दो फोर्स भी पढ़े थे इंग्रेडिएंट्स के, टू फोर्सेस इंग्रेडिएंट्स के हमने दो फोर्स पढ़े थे, एक तो एनिमल फोर्स पढ़ा था और दूसरा कौन सा, एक प्लांट फोर्स। ये दो फोर्स भी हमने पढ़े थे। हम प्लांट के पार्ट्स के बारे में भी बात कर चुके थे। देखिए मैं आपको दोबारा एक और बार बताऊं, ये स्टेम होता है, देखिए ये जो आपको दिख रहा है क्या है, ये क्या है, स्टेम है ये। और देखिए दोस्तों ये जो है ये हो गया और ये हो गया, ये लीफ्स हैं और ये नोड कहलाता है, ये वाला जो पार्ट है नोड्स कहलाता है। देखिए यहाँ पर ये पार्ट है, ये नोड्स कहलाता है। और ये कुछ आपको ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, ये बड्स हैं, देखिए यहाँ पर ये बड्स है और यहाँ पर ये बड़ है, इनको हम बर्ड्स बोलते हैं। यहाँ पर ये ऊपर की ओर फ्लावर्स हैं, तो यही कुछ पार्ट्स होते हैं। देखिए नीचे की ओर रूट्स हैं, रूट्स में भी कई टाइप हैं, एक सेकेंडरी रूट है तो एक प्राइमरी रूट है, ये रूट सिस्टम, ये प्लांट के पार्ट्स होते हैं। दोस्तों अब हम इससे आगे का स्टार्ट करेंगे, एक्टिविटी फोर। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, जो कि टेबल हमने 1.3 में कुछ आइटम्स लिखने थे हमको, वो हम लिख चुके हैं। चूज दोज आइटम्स हूज इंग्रीडियंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, उन आइटम्स को चूज करना है जो कि हमको प्लांट से प्राप्त हुए हैं, जो इंग्रीडियंट्स उनसे प्लांट से प्राप्त हुए हैं, विच पार्ट ऑफ प्लांट, और ये भी पता लगाना है कि कौन से प्लांट का पार्ट का यूज हुआ है वहाँ पर। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्टेड द फूड आइटम्स एंड प्लांट्स एज शोन इन टेबल 1.4, और ये काम हमको टेबल 1.4 में करना है। अब हम एक्टिविटी 5 पढ़ेंगे, यहाँ पर हम दोस्तों स्प्राउटर सीड्स के बारे में पढ़ेंगे। टेक फ्रॉम ड्राई सीड फ्रॉम मूंग और चना, तो दोस्तों जो मूंग और चना जो होते हैं उनके थोड़े से हमको बीज लेने हैं। पुट अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर, और एक कंटेनर में पानी लेके पुट अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ सीड्स, तो उन सीड्स की जो थोड़ी सी मात्रा में उन पानी में डाल देनी है हमको। एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे, और एक दिन के लिए उन बीजों को हम पानी में पड़े रहने देंगे। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, तो दूसरे दिन हम क्या करेंगे उस पानी को हटा देंगे और एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, और उन सीड्स को उसी वेफल में पड़े रहने देंगे। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड फेट असाइड, और उनको एक गीले कपड़े की सहायता से उनको रैप कर देंगे, मतलब ढक देंगे, उनको एक दिन रखा रहने देंगे, मतलब आधा दो तीन घंटे रखा रहने देंगे उनको। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द फीड, तो उसी दिन हम कुछ उन फीड्स में चेंजेस पाते हैं, उसी दिन हम उनमें कुछ चेंजेस पाते हैं। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में है ग्रोन आउट ऑफ सीड्स, तो सीड से कुछ देखिए यहाँ पर कुछ वाइट स्ट्रक्चर निकल रहा है। इफ सो द सीड है स्प्राउटेड, और इसी को हम स्प्राउटेड सीड बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड सीड, देखिए यहाँ पर ये वाइट निकल रहा है सीड से, तो इसी को हम स्प्राउटेड सीड बोलते हैं। इफ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। इफ नॉट वॉश द सीड्स, उन सीड्स को वॉश मत कीजिए, मतलब धोइए मत पानी में। ड्रेन द वाटर, पानी को बहा दीजिए। एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, और उन सीड्स को एक दिन के लिए और रखा रहने दो। कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ, और एक गीले क्लॉथ कपड़े से उनको ढक दो। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, और अगले दिन हम क्या देखते हैं कि सीड जो होते हैं स्प्राउटेड हो जाते हैं, उनमें से कुछ वाइट स्ट्रक्चर निकलता है। देखिए आप इन सीड में वो नज़र आ रहा होगा। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड सीड्स, और इस स्प्राउटेड सीड्स को हम वॉश करने के बाद, धोने के बाद, यू कैन ईट देम, अब उनको हम खा भी सकते हैं। और इन स्प्राउटेड सीड्स में बहुत प्रकार की प्रोटीन्स और विटामिन पाई जाती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए लाभदायक हैं।
दी कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, और ये हम इनको पका कर भी खा सकते हैं, मतलब उबाल कर भी खा सकते हैं। एंड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू इट, और कुछ मसाले डालकर भी इसको हम टेस्टी बना सकते हैं और इनको हम खा सकते हैं। डू यू नो वियर हनी कम्स फ्रॉम, हाओ और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, क्या तुम जानते हो कि हनी कहाँ से आता है और कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। हैव यू सी अ बीहाइव वियर सो मैनी बीज कैप बजिंग अबाउट, तो तुम क्या आपने कभी बी हाइव देखा है, मतलब बी हाइव तो ये दो वर्ड से बना है, एक बी और एक हाइव। बी का मतलब होता है मधुमक्खी और हाइव का मतलब होता है उनका घर, मतलब मधुमक्खी का घर। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस, मतलब एक नेक्टर जो होता है स्वीट जूस है एक। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स कन्वर्टेड इन टू हनी, तो दोस्तों बीज जो होती हैं वो फ्लावर्स, बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, तो दोस्तों बीज जो होती हैं वो नेक्टर को फ्लावर से लेती हैं और उसको कन्वर्ट कर देती हैं हनी में, तो नेक्टर को हनी में कन्वर्ट कर देती है। कौन? बीज। एंड स्टोर इट इन दियर हाइव, और उन अपने छत्तों में रख लेती हैं, छत्तों में मतलब उनका जो घर होता है वहाँ पर जो रहती हैं। देखिए एक हाइव है, किसका? बी का, बी हाइव। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, और जो नेक्टर जो होता है उनका जो शहद जो होता है वो हमको एक ही पार्ट में दिखता है, मतलब पूरे साल में कुछ एक आध महीने में ही हमको देखने को मिलता है। सो बीस स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, और जो बीस होती हैं इसको एकदम आसानी से बना लेती हैं और इनको अपने पास रखती हैं पूरे साल कि वो इससे अपना काम चला सकें। वेन वी फाइंड अ बीहाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, जब भी हमको कभी बीहाइव मतलब उनका घर मिलता है, बर्रों का छत्ता जब मिलता है, तो हम उनको तोड़ देते हैं और उन बीज को भगा के हम उनके फूड को यानी कि हनी को ले लेते हैं। वट डू एनिमल फीड, अब दोस्तों हम बात करेंगे कि एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या तुम्हारे पास कोई पेट है जैसे कैटल हो जिसकी आप केयर करते हो, उसकी देखभाल करते हो। अ डॉग, अ काउ, बफेलो और गॉट, एक बकरी भी हो सकती है, बफेलो हो सकती है और एक कुत्ता भी हो सकता है। ईट इज ऑल्सो अ गिवेन, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, तो आप उनके फूड के बारे में जानते होगे वो क्या क्या खाते हैं। द एनिमल्स ईट, वॉट अबाउट अदर एनिमल्स, तो अदर एनिमल्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वॉट अ स्क्वेरल पिजन लिजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड, क्या आप जानते हो कि लिजार्ड हो गया, पिजन हो गया, स्क्वेरल हो गया, तो वो क्या खाते हैं, क्या आप जानते हो। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5, तो दोस्तों टेबल 1.5 कहाँ पर, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कौन सा टेबल है, ये टेबल 1.5 यही है दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर वो फूड है वो क्या खाते हैं, तो यहाँ पर आप इसको बना भी सकते हो। देखिए यहाँ पर रेड, क्रो, अदर्स, तो यहाँ पर बहुत तरह के एनिमल्स दिए गए हैं। ईट इज ऑल्सो गिवन फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल, तो ये जो खाली खाली जो आपको दिख रहा है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो ये सभी आपको भरने हैं दोस्तों। देखिए रेट क्या खाता है, रेट अदर एनिमल्स भी खाता है और ऑनियंस, जिंजर ये भी खाता है। लाइन क्या है, लाइन एक कार्निवोर्स है, वो दूसरों का मांस खाता है। तो ये सब दोस्तों हम आगे पढ़ने वाले हैं, चलो देखते हैं। एक्टिविटी 7, हैव यू लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रो द एनिमल्स एंड एंटर एज फॉलोज द प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। तो दोस्तों हमारे सामने एक नया नाम आया है जो है क्या है, वो एक हर्बीवोर्स। तो दोस्तों क्या है, हर्बीवोर्स। तो दोस्तों जो हर्बीवोर्स होते हैं वो सिर्फ ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट, मतलब सिर्फ प्लांट खाते हैं जो हर्बीवोर होते हैं और प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं। कौन खाता है, हर्बीवोर्स। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, और जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। और जो प्लांट प्रोडक्ट और दूसरे एनिमल्स को भी खा सकते हैं उनको ओमनीवोर्स बोलते हैं। तो दोस्तों क्या आपको ये याद हो गए तीनों, न हुए हों तो मैं अभी याद करवाता हूँ। देखिए हर्बीवोर्स क्या होता है कि हर्बीवोर्स जो वो होते हैं जो कि प्लांट भी खा सकते हैं, प्लांट के प्रोडक्ट भी खा सकते हैं।
और दोस्तों कार्निवोर, कार्निवोर दूसरों का मांस जो खाते हैं, दूसरे अदर एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें कार्निवोर्स बोलते हैं। और ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स मतलब हर्बीवोर और कार्निवोर दोनों, मतलब जो प्लांट के प्रोडक्ट भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, तो उनको ओमनीवोर्स बोलते हैं। तो दोस्तों इस पार्ट में इसी का डिस्कशन था पूरा कि हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। हर्बीवोर देखिए दोस्तों, स्क्वायरल हो गई तो वह एक हर्बीवोर है, शीप हो गई वो एक हर्बीवोर है, बफेलो हो गई वो एक हर्बीवोर है, और कार्निवोर्स में टाइगर हो गया, लायन हो गया तो एक कार्निवोर है। ओमनीवोर्स में दोस्तों देखिए क्रो हो गया, क्रो देखिए यहाँ पर ये क्रो जो दे रखा है वो एक कार्निवोर, वो एक ओमनीवोर है क्योंकि वो मांस भी खा सकता है और कुछ रोटी वगैरह भी खा सकता है। ह्यूमन बींग्स जो है वो भी एक दोस्तों ओमनीवोर्स है। और देखिए टाइगर ये कार्निवोर्स है, लायन कार्निवोर्स है, ये सभी आपको फिल करनी है यहाँ तक। तो दोस्तों इस वीडियो में यही था, ये कुछ कीवर्ड्स दिए गए, इंग्रेडिएंट्स एडिबल, नेक्टर, स्प्राउटेड फीड्स, हार्निवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। तो दोस्तों मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को देखने से पहले आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।